अब खबरें विस्तार से। नगर परिषद हमीरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही को अंजाम देते हुए बाजार में गैर कानूनी ढंग से बनाए गए छज्जे को तुड़वाया। नगर परिषद के जेई अश्विनी कुमार की अगुवाई में आई टीम ने हमीरपुर बाजार में नगर परिषद द्वारा आवंटित किए गए खोखा में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद हमीरपुर ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देते हुए बाजार में गैर कानून ढंग से बनाए गए छज्जे को तुड़वाया। नगर परिषद के जेई अश्विनी कुमार की अगुवाई में आई टीम ने हमीरपुर बाजार में नगर परिषद द्वारा आवंटित किए गए खोखा में उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। गौरतलब है कि नगर परिषद ने हमीरपुर बाजार में खोखा धारकों को पक्के खोखे आवंटित किए गए थे और शिकायतें आ रही थी कि कुछ खोखा धारकों ने बिना किसी मंजूरी के अपने खोखों के आगे छज्जों का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। उसकी शिकायत के आधार पर नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। नगर परिषद के जेई अश्विनी कुमार ने बताया कि नगर परिषद कार्यकारी आदेशों के निर्देश पर उक्त कार्रवाई की गई है और खोखा धारकों को आगे से अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई है। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के आदेशों के अनुसार जो इन्हें कंप्लेंट मिली थी उसमें कुछ ये था, जो खोखे बने हुए उसमें लोगों ने एक दो ने इसने छज्जा एनहांस किया, ऐसी कंप्लेंट हमें आई थी। तो आज हमने जो निरीक्षण किया, जो नाली के ऊपर जो प्रोजेक्शन पड़ा था उसको हमने कटवाया है। इसके अलावा जो इसके अतिरिक्त जो भी अतिक्रमण होगा उसको नोटिस वगैरह देकर के अगली कार्रवाई जो होगी की जाएगी। अभी तक कितने दुकानों के छज्जे तोड़े हैं? अभी तो एक की सूचना मिली थी उसको हमने करवाया है, और इसके अतिरिक्त कोई करेगा तो उसको भी आगे करेंगे। और अब सबका एक सर्वे करके जो जो लोग गलत पाएंगे उनको नोटिस के माध्यम से अगली कार्रवाई जो हो कार्यकारी अधिकारी के आदेशों के अनुसार आगे अमल में लाई गई। जानकारी अभी तो मुश्किल है, लेकिन इसके लिए सर्वे चल रहे हैं। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ कंप्लेंट आ रही है उनको उसको हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ ऐसी कंप्लेंट है और जो पाए गए हैं, ये बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन हैं, क्योंकि कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड जमीन है, कुछ नगर परिषद की हैं, कुछ दूसरी हैं, तो उसके हिसाब से जो जो कार्रवाई है वो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेंगे। जहाँ तक होगा उसमें हम लोग अपनी सहभागिता जरूर करेंगे। धन्यवाद।